पहुंच रहे हो? हाँ हाँ, लद्दाख जा रहे हो? सही है यार, देखो हम तो घर जा रहे हैं, हम कैंपिंग पे थे 3-4 दिन। अच्छा। हाँ भाई, इनको देख लो भाई, कितने सारे राइडर्स है ना। ओ भाई, डीएल डीएल डीएल, दिल्ली से हो सारे के सारे? दिल्ली से? सही है यार, गर्मा गर्म आलू के पराठे खा लिए ना, जो कि बहुत सही रहे, बट महंगे मिले भाई, 80 रुपये का पराठा मिला। ओ भाई भयंकर, 80 रुपये का पराठा थोड़ा ज़्यादा नहीं हो रहा है? अब क्या ही करें, टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे ऐसा ही होता है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दिस चैनल, वेलकम बैक टू डे 3। अभी व्लॉग की शुरुआत और अभी टेंट से कर रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 7:20 टाइम हो रहा है, और हम अभी उठ रहे हैं बिकॉज हम 2 दिन से इतने थके थे, पूछो मत। ऑलरेडी सनराइज भी हो चुका है, अभी हमें कॉफ़ी बनानी है एंड उसके बाद हम किसी और जगह जाएंगे घूमने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, अभी कर दो, अगर कर भी दिया तो थैंक यू वेरी मच। सो अभी टेंट के बाहर चलते हैं और बाहर का व्यू जो है उसको मज़ा लेते हैं। बिस्मिल्लाह, यहाँ से चक्कर है, हम अभी बेताब वैली में है ना, और सन ऑलरेडी राइज हो चुका है, और सुबह की जो खूबसूरती है, सुबह के जो नज़ारे है, वो ये चक्कर है। हाय 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 हाय, ज़बरदस्त है भाई, ज़बरदस्त है। तो फटाफट से ना बाहर चलते हैं, मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रहा हूँ, क्यों बाहर के नज़ारे चक्कर। ओह हाय, क्या खूबसूरत है, माशाल्लाह, ये चक्कर है। अब सन अभी राइज हो रहा है, अभी पहाड़ से निकल रहा है ना यहाँ साइड से। हम अभी बेताब वैली में है ना, जो हमने कल यहाँ पे बोन फायर किया था रात को, जो लकड़ी वगैरह ना सब जल गई है भाई, सारी के सारी जल गई है, और अभी यहाँ पे कोई नहीं है, बस हमारे टेंट 2 है, कोई भी नहीं है यहाँ साइड से। सो अभी 8 बज रहे हैं और हम अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट में क्या ही खाएंगे, एक तो कॉफ़ी पियेंगे, मैगी हमारे बनके रेडी होने वाली है। मैं बता रहा हूँ आपको, अभी हमारे साथ कोई सीन हो गया, हमारा ब्रूटन गैस ख़त्म हो गया, और हमने पता है क्या करा, अभी अभी हमने आग जलाई और उसमें मैगी बना रहे हैं। देखो ये हमारे किसी, क्योंकि हमारा जो ब्रूटन गैस है ना भाई, सब खत्म हो गया, 2 टैंक थे, दोनों के दोनों टैंक खत्म हो गए। अब हम इस पर मैगी बनाएंगे, इसको फटाक से ख़त्म करते हैं बिकॉज मेरे को भयंकर भूख लग रही है। कॉफ़ी वगैरह ऑलरेडी हमारा डन है, हमने ब्रेकफास्ट अच्छा किया, अच्छा खासा किया, बट आग जलानी पड़ी बिकॉज हमारा जो ब्रूटन गैस है वो ख़त्म हो गया था। और यहाँ से चेक करें आप अभी कैसा नज़ारा है, अभी टाइम हो रहा है 9:18 हो रहा है, और चेक करें आप कितनी खूबसूरत है ना, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। सो अभी हम इन अपने जो स्लीपिंग बैग्स वगैरह है, टेंट वगैरह है, इनको निकाल के पैक कर लेते हैं और फिर हम चलते हैं पहलगाम मेन मार्केट की तरफ, और फिर मिलता हूँ आपसे। तो सामान अगर हमारा पैक हो चुका है, हम सीधे मिलते हैं आपसे बाइकों के पास। आई होप कि बाइक जो हमारी खड़ी है, अब कि उनसे किसी ने ना छेड़छाड़ी नहीं की हो, आई होप सो, कि हमने बाइक विदाउट पार्किंग यहाँ पे खड़ी की है, बिकॉज यहाँ पे पेड पार्किंग है ही नहीं, पार्किंग है पेड पार्किंग नहीं है, सो हमने ऐसे ही खड़ी कर ली। आई होप कि वो सही हो, हमने नज़र भी नहीं दी। सो यहाँ से फटाफट से चले थे बाइकों की तरफ और मिलते हैं वहाँ। सो भैया, बाइक की तरफ ना पहुँचने वाले हैं, हमारी बाइक वहाँ खड़ी है, बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमने यहाँ पे लस्सी मिल गई, और जो मेरे को बहुत पसंद है बहुत ज़्यादा, और ये चाचा पे लस्सी बना रहे हैं हमारे लिए, स्पेशली हमारे लिए बना रहे हैं लस्सी। उसको ना फटाफट से ना पी के टेस्ट कर लेते हैं। ओ भाई, ज़बरदस्त है कसम से, बहुत अच्छी है, क्योंकि हमने कल से चिकन खाया, मतलब दही थी नहीं, पर आज हमें लस्सी पी ली खट्टी वाली, भाई बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से चले थे अपनी बाइकों के पास, इतनी मेहनत के बाद और एक डे के बाद अपनी बाइकें देख रहे हैं ना, ये चक्कर है। ओ भाई, इतनी सारी मेहनत की ना हमने, बिकॉज कैंपिंग में ना आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत सा एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप कैंपिंग करने कहीं भी जाते हो तो। अपनी बाइक है ना, इनको इन पे अपना सामान पैक करके फिर चलते हैं यहाँ से। सो फाइनली हमारी जो बाइक है वो सेट हो चुकी है, हमारा जो लगेज है वो हमने डन कर लिया है यहाँ साइड से, जो कि इस साइड से, ये चक्कर है। मेरी बाइक, फारिस भाई की, और
जो उत्तराखंड से हमारे मेहमान आए थे हर्षित भाई, उनकी बाइक भी पैक हो रही है। सो इन बाइकों को यहाँ से हल्का सा कोल्ड स्टार्ट कर लेंगे और हम चलते हैं मेन मार्केट पहलगाम की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो फिलहाल अभी हम बेतावले से निकल रहे हैं पहलगाम की तरफ, फिर से अपनी राइड को एंजॉय करते हुए हम बढ़ेंगे आगे। हर्षित और विवेक आगे चल रहे हैं, जो उत्तराखंड से हमारे मेहमान आए हुए वो आगे चल रहे हैं हमारे। सो मैं भी आया हूँ पेट्रोल पंप पे, बिकॉज मेरी बाइक का थोड़ा सा पेट्रोल कम था तो मैंने पेट्रोल फिल किया एंड मेरे भाई लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। हम यहाँ से जाएंगे मार्केट और कुछ खाएंगे पिएंगे और आपको भी दिखाएंगे कि हम क्या करेंगे। जहाँ से मैं पेट्रोल फिल किया, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, यहाँ बस यही एक पेट्रोल पंप है पूरे पहलगाम में। अगर आपको यहाँ पे आना है, अगर आपको पेट्रोल की ज़रूरत पड़ी, तो यही एक है जो आपके मार्केट के साथ ही है, बस और कोई पेट्रोल पंप है ही नहीं यहाँ। सुबह हम मेन मार्केट में आ चुके हैं, हमने चाय वगैरह ले ली यहाँ पे, चाय और आलू के पराठे सबके लिए। तो फटाफट से ना, मैं भयंकर ना भूख लग रही है मेरे को बहुत ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ भाई बहुत भयंकर लग रही है। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि आई होप कि जल्दी से आ जाए हमारा चाय और पराठा, आई होप सो। सो इतना वेट करने के बाद अभी हमारा पराठा आ चुका है, जो कि हाँ भाई बहुत सही लग रही है, मेरे को भयंकर ना भूख लग रही है। मैं इसको खा रहा हूँ, पहले मैं इसका टेस्ट करूँगा, टेस्ट कैसा है इसका। इसका ना मैंने अचार दे दिया जो कि सही रहेगा। टेस्ट पर बहुत सही है। यहाँ हमने चाय पी ली है और गर्मा गर्म आलू के पराठे खा लिए ना, जो कि बहुत सही रहे, बट महंगे मिले भाई। 80 रुपये का पराठा मिला, ओ भाई भयंकर। 80 रुपये का पराठा थोड़ा ज़्यादा नहीं हो रहा है, अब क्या ही करें, टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पे, ऐसा ही होता है। खैर इस चीज़ को इग्नोर करते हुए हम यहाँ से अपनी राइड को फिर से एंजॉय करेंगे अपने घर की तरफ। सो आगे हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे या कुछ और करेंगे, वो तो आगे पता लग ही जाएगा। सो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपनी घर की तरफ राइड इन खूबसूरत से माउंटेन्स का और इन खूबसूरत से रोड का, स्पेशली इस खूबसूरत से रिवर का बाय बाय करते हुए हम चल रहे हैं अपने घर की तरफ वापस। बिकॉज हमारे पास 3 ही दिन थे, और 3 दिन में हमें जो एक्सपीरियंस गेन किया ना, थोड़ा डर लगा, बिकॉज कैंपिंग हमने जहाँ पे की थी वहाँ से बालो वगैरह भी आते हैं, थोड़ा डर लगा, थोड़ा एंजॉय किया, थोड़ी मौज की, थोड़ी मस्ती की। इस हिसाब से हम बहुत सही रहे, बहुत ऑसम रहा हमारा, हमारे 3 दिन की कैंपिंग जो रही वो बहुत अच्छी रही, और थोड़ा सा डेंजरस एडवेंचर भी किया, जो कि पूरे बारिश पड़ रही थी, बारिश में हम राइड कर रहे थे, जो कि बहुत सही हुआ आपका। डर तो लगा बट एडवेंचरस राइड रही, एडवेंचरस राइड मैं ऐसा कह सकता हूँ। यहाँ से व्यू चेक करें आप, निकलते हुए ऐसा खूबसूरत सा रिवर दिख रहा है आपको, जो बहुत ऑसम लग रहा है आपका, बहुत ऑसम। कना सामान खुल गया पूरा का पूरा, अब इसको फिर से बंद करना पड़ेगा ना, क्योंकि पूरा सामान ऐसे हो गया था, टेढ़ा हो गया था। हमारा सफ़र अभी लंबा है, अभी यहाँ से मेरे ख्याल से 75 किलोमीटर के आसपास हमें घर तक जाना है। हम पहले घर नहीं जाएंगे, हम सीधे जाएंगे करण नगर। मुझे ना आइसक्रीम खाने का बड़ा मन कर रहा है, यहाँ से मिल जाता है आइसक्रीम, बट मटके वाले आइसक्रीम अगर खानी है, वो भी स्पेशली अपने आइसक्रीम वाले के पास, जो कि बहुत सही आइसक्रीम बनाता है भाई। और रही बात हमारे कैंपिंग की, जो हमारा पहला कैंपिंग था उसमें हमें इतनी ठंड लगी ना पूछो मत, बिकॉज हमारे कपड़े सारे के सारे गीले हो चुके थे, पूरे के पूरे। हमें भाई भयंकर ठंड लगी, भयंकर, बिकॉज हम जब घर से निकले तब बारिश हो रही थी, हमने कहा यार अभी रुक जाएगी, और हम जब पापोर पहुँचे भाई इतने मोटे मोटे ओले पड़ रहे थे पूछो मत। थे एटलीस्ट 11 बजे, 11:30 के आसपास हम पहलगाम पहुँचे। हमें भाई बहुत दिक्कत हो गई, बहुत ज़्यादा, बट थैंक्स टू अल्लाह उसने हमें सेफली पहुँचाया। अभी हम पहुँचे हैं हाईवे पे, अभी हमें सीधे जाना अपने घर की ओर। अब थोड़ा सुकून मिलेगा, बिकॉज हाईवे है ना ये आपका पूरा क्लियर है, उससे गड्ढे वगैरह कुछ भी नहीं है, वहाँ से थोड़े गड्ढे थे इसलिए हम स्पीड भी नहीं पकड़ पा रहे थे। आज का दिन ऐसा ना, हर जगह जहाँ से भी हम जा रहे थे, हम पहलगाम में थे, वहाँ से इतने बाइकर्स थे, इतने यूट्यूबर्स थे, पूछो मत। राइड को इतना एंजॉय करते ना लोग, अमेजिंग है भाई। बाइक निकालते हैं, चलते हैं राइड पे, ऑसम रहता है आपका, ऑसम, बहुत सही रहता है। अगर आपके पास बाइक है ना, निकलो राइड पे, निकलो भाई, कसम से कह रहा हूँ, जो राइड में मज़ा है ना वो किसी चीज़ में नहीं है, अगर आप बाइक राइड करना चाहते हो तो। लद्दाख जा रहे हो, सही है यार, देखो हम तो घर जा रहे हैं, हम कैंपिंग पे थे 3-4 दिन। अच्छा। हाँ भाई इनको देख लो भाई, कितने सारे राइडर्स है ना, ओ भाई DL दिल्ली से हो सारे के सारे, दिल्ली से, सही है यार। तू भी जुड़ जा, लद्दाख चले जा,
जाएगा जा ले जा सीधे लद्दाख जा। बिस्मिल्लाह ना पल्सर पे आया भाई 150 cc की पल्सर पे। ओहो भाई और लद्दाख जा रहे हैं के सारे इन्हीं को हम राइडर्स कहेंगे कसम से। इनको जुनून है भाई 150 cc की पल्सर लेकर चल रहा है बंदा। खुद सोच लो भाई लद्दाख जा रहे हैं दिल्ली से सीधे लद्दाख। ऐसा मान लो ना मतलब बंदे में जिगरा है वो गुर्दा है कि बंदा कर सकता है 150 cc की बाइक पे। भाई अमेजिंग है इनकी राइड। लेकिन ग्रुप राइड करें ना के सारे ना ग्रुप में चल रहे हैं। सो भाई फाइनली अपने फेवरेट आइसक्रीम वाले के पास पहुँचे हम। अपनी आइसक्रीम खा के फिर चलते हैं फारिस भाई के घर की तरफ बिकॉज हमें अनपैक भी कुछ करना है और फिर से पैक करना है। सो फाइनली भी हम पहुँचे हैं फारिस भाई के घर के पास। ये हम सारे के सारे राइडर्स पहुँच गए अच्छे से फारिस भाई के यहाँ। थैंक गॉड कि उन्होंने हमें सेफ वहाँ तक ले लिया यहाँ साइड से एंड वहाँ से यहाँ तक सेफली हम वापस आ गए थैंक्स टू ऑलमाइटी। सो यहाँ से अभी हम थोड़ा सा स्विच करेंगे हम अपने सामान को बिकॉज फारिस भाई का आधा सामान मेरे पास है मेरा इनके पास है उनके पास होगा थोड़ा तो उनको सेट करके फिर मिलता हूँ आपसे। सो भाई हम फारिस भाई के घर पे बैठे हैं भाई। 3 दिन हमने बहुत एंजॉय किया थोड़े से डरे बिकॉज भालू ना आए हमारे टेंट में। हम ना माउंटेन पे कैंपिंग कर रहे थे एंड अभी तो भाई आँखों में इतने दर्द हो रहा है पूछो मत बिकॉज एक दो दिन से ना अच्छे से मतलब सोए नहीं। कल तो सोए ठीक से बट फिर भी यार उतने अच्छे से तो नहीं सोए। आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ आप सब्सक्राइब कर दो लाइक करो शेयर करो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सो यहाँ ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे एक अगले व्लॉग में एक अच्छी जगह पे। तब तक के लिए बाय बाय गाइस फ़ियामन अल्लाह।